हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं गायत्री अर्जुन यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हमारे पास में हमारा फ्रिज का कंप्रेसर, तो इसमें एक प्रॉब्लम आती है कि बहुत सी बार कुछ कंपनी वाले ये जो हमारे टर्मिनल लगे हुए हैं, सबसे पहले मैं रिले निकाल देता हूँ इसकी। ये हमारे यहाँ पर टर्मिनल लगे हुए हैं 3। अब इसमें क्या शो नहीं होता है कि कौन सा रनिंग है, कौन सा स्टार्टिंग है और कौन सा कॉमन है। तो आज की वीडियो में हम यही चेक करेंगे कि इसमें कौन सा रनिंग है, कौन सा स्टार्टिंग है और कौन सा कॉमन है। ओके फ्रेंड्स, रिले साइड पे कर देता हूँ मैं। इसको चेक करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक क्लेम मीटर की, जो कि हमारे पास रखा हुआ है। तो चलिए जल्दी से इसको चेक करते हैं और देखते हैं कि कौन सा इसमें रनिंग है, कौन सा कॉमन है और कौन सा स्टार्टिंग है। तो इसके लिए सबसे पहले एक पेपर ले लेते हैं। पेपर पे क्या है कि इसका पूरा डायग्राम उतार लेंगे तो आपको समझ में भी अच्छे से आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, जैसा इसमें दिए हुए हैं कि 3 टर्मिनल दिए हुए हैं इसमें, 1, 2, 3। अब बहुत से कंप्रेशर में क्या होता है कि ये जो आप स्क्वायर शेप देख रहे हैं इसका, सॉरी ट्रायंगुलर शेप देख रहे हो, ये उल्टा होता है। जैसे अभी अपना वाला है, ये वाला अभी इसका शेप है। और बहुत सी बार क्या होता है, कोई कंप्रेशर में ऐसा शेप बना होता है, ये ऐसा शेप बना होता है। अभी हमारे पास ये वाला शेप है, ठीक है। तो इनको तीनों को मैं मिला देता हूँ। ये मैंने इनको तीनों को मिला दिया है। अब करते हैं इसकी टेस्टिंग। तो सबसे पहले क्लेम मीटर को सेट करेंगे कंटिन्यूटी पर, कंटिन्यू मोड पर रखना है इसको। और जो इसकी प्रोब है, ये प्रोब है इसकी, तो इसको लगा देंगे क्लेम मीटर पर और टेस्ट कर लेंगे एक बार। ये देखिए कंटिन्यूटी आ रही है। अब थोड़ा जूम करके मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, तो मैंने ये इसको जूम कर लिया है। अब ये आपको अच्छे से 3 टर्मिनल इसके दिख रहे हैं। थोड़ा पेपर को भी इधर रख देते हैं ताकि ये चीज़ भी आपको अच्छे से शो हो जाए, ठीक है। ये हमारे पास में मल्टीमीटर की प्रोब है, तो सबसे पहले मैं चेक करूँगा एक तो ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। इन दोनों पॉइंट पर लगा के चेक करेंगे कि रीडिंग कितनी शो हो रही है। तो मैं ये यहाँ पर रख देता हूँ उसको, ताकि आपको अच्छे से शो हो जाए। ये मैंने यहाँ पर रख दिया, इसको थोड़ा सीधा रख देते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने इसको यहाँ पर रख दिया है। अब इन दोनों पोर्ट पर लगा के देखेंगे कि इसकी रीडिंग कितनी आ रही है। तो ये देखिए 45 पॉइंट, यानी कि आप 45 इसको मान सकते हो, 45 ही है, ठीक है। तो ये मैं इस पर लिख लेता हूँ जो हमने पेपर बनाया था। तो ये 2 टर्मिनल अभी चेक किए, तो इसका आ रहा है अपने 45 रीडिंग आ रही है। तो ये मैंने इस पर लिख लिया है। अब फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम चेक करेंगे एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, ये दोनों टर्मिनल चेक करेंगे। ओके, तो अपनी रीडिंग आ रही है 73.76, यानी कि 73 के लमसम। तो इसको भी हम यहाँ पर लिख लेंगे कि हमारी रीडिंग कितनी आ रही है।
इसको लिख देते हैं 73। ठीक है, अब हमारे पास में दो टर्मिनल बचे, एक ये वाला और एक ये वाला। मैं आपको इसमें बता देता हूँ, एक ये वाला टर्मिनल बचा है और एक ये वाला टर्मिनल बचा है। तो इन दोनों पर भी लगा के इसकी रीडिंग चेक कर लेंगे कि इसमें कितनी रीडिंग आ रही है। तो ये देखिए 29.29 आप इसको ले लीजिए। तो ये हमने इसको 29 ले लिया है। ठीक है, तो ये जितनी भी इसकी हमारे कंप्रेशर की रीडिंग थी वो हमने एक पेपर पर नोट कर लिया, डायग्राम बना के। ठीक है, अब डायग्राम से समझेंगे कि कौन सा इसमें रनिंग है, कौन सा कॉमन है और कौन सा स्टार्टिंग है। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारे इसमें हम तीनों को देखना है कि सबसे बड़ी वैल्यू किस किस टर्मिनल पर आ रही है। तो ये सबसे नीचे हमारे 73 सबसे बड़ी वैल्यू इसमें आ रही है। तो जहाँ दो पॉइंट पर आपके सबसे बड़ी वैल्यू आए तो वो एक हो जाता है रनिंग और एक हो जाता है स्टार्टिंग। ये अभी पक्का नहीं है, बस एक रनिंग और एक स्टार्टिंग हो जाता है। ठीक है, तो इसके जो जस्ट सामने वाली, यानी कि ये इसके जस्ट सामने वाली, तो ये चीज़ हो जाती है अपनी कॉमन। याद रखना, जो सबसे बड़ी वैल्यू आती है उसके जस्ट सामने वाली टर्मिनल हमारी कॉमन रहती है। अब इसके बाद में आपको मिडिल वाली देखनी है कि मिडिल में कितनी वैल्यू आई। तो अब इन तीनों में मिडिल वैल्यू ये 45 आया था। ठीक है, तो 45 के सामने वाली, यानी कि ये इसके 45 के सामने वाली हो जाएगी रनिंग। ठीक है, अब सबसे छोटी, तो जिसमें सबसे छोटी आएगी तो उसके सामने वाली टर्मिनल हो जाएगी अपने स्टार्टिंग। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए, ये जो हमारा ऊपर वाला पॉइंट था ये हमारा कॉमन है, और ये साइड वाला पॉइंट ये स्टार्टिंग है, और ये वाला रनिंग पॉइंट है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।